पहली बार हमने ऐसा किया है। मतलब 20,000 रुपए के बजट में जितने भी स्मार्टफोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, सभी को हमने इस वीडियो में डाल दिया है। पर कैमरा के साथ साथ और भी सारे फीचर्स खतरनाक होने चाहिए, इस बात का भी हमने ध्यान रखा है। टोटल 17-18 स्मार्टफोन है इस लिस्ट में, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं दुनिया में, तो तरह तरह की ब्रांड सबको पसंद होती हैं। इसीलिए रियलमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी, सैमसंग, मोटोरोला, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको। तो शुरुआत करते हैं सैमसंग से। 4 स्मार्टफोन हैं सैमसंग के। पहला है गैलेक्सी F23 फुली 5G स्मार्टफोन विद ट्रिपल कैमरा सेटअप, मतलब 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है इसमें। 120Hz फुल HD+ स्क्रीन विद गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन, फास्ट चार्जिंग, फिंगरप्रिंट, मतलब और भी जितने सारे फीचर्स हैं काम धाम के सब कुछ हैं, सिर्फ 15,999 रुपए की कीमत में। अगर हम सभी स्मार्टफोन्स की डिटेलिंग में बात करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा शॉर्ट में बात करते हैं। अच्छा हाँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वैसे तो कर दो यार। सैमसंग का एक और स्मार्टफोन है गैलेक्सी A23। काफ़ी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, बिल्कुल फ्लैगशिप, मतलब पकड़ने पर बिल्कुल फ्लैगशिप फील आती है। तो लुक डिज़ाइन के अलावा जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। क्वाड कैमरा सेटअप है और हाँ, 4K वीडियो रिकॉर्ड तो हो ही जाती है। 5000 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ इसमें 90Hz डिस्प्ले मिलती है आपको विद गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन। और हाँ, स्मार्टफोन 19,499 में आपको मिल जाएगा। और जितने भी स्मार्टफोन्स की हम इस वीडियो में बात करेंगे, सभी के परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑफर भी आ जाते हैं ना। सैमसंग गैलेक्सी M33 भी आप ले सकते हैं, ये भी फुली 5G स्मार्टफोन है, पर इसका कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा हटके है। क्वाड कैमरा सेंसर, 6000 mAh की बैटरी विद फास्ट चार्जिंग, ओवरऑल काफी ठीक ठाक फीचर्स हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइस 17,499 में आप इसे ले सकते हैं 6GB RAM वाले वेरियंट को। अब एक आखिरी फोन सैमसंग का, गैलेक्सी F41। ये थोड़ा पुराने लुक में है, पर इसमें सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है, ट्रिपल कैमरा विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और सेल्फी के लिए 32 MP फ्रंट कैमरा दिया है इसमें। 6000 mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग, मतलब सब कुछ सिर्फ 16,500 रुपए में। अब बात करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन्स की, जो आजकल मार्केट में अंधाधुंध चल रहे हैं। पहला स्मार्टफोन है काफी ज्यादा बिकने वाला, मतलब अपने जमाने का हीरो है ये Realme 8। 20,000 रुपए के बजट में आप इसे ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, पर अभी तो काफ़ी सस्ता हो गया है, मतलब 14-15,000 रुपए में मिल जाएगा। और अगर हाँ, बैंक के ऑफर लग जाए तो फिर 13,000 रुपए के लमसम में भी मिल जाता है। इसमें कैमरा ही नहीं बल्कि ओवरऑल जितने भी फीचर्स हैं सब नेक्स्ट लेवल हैं। और हाँ, इसका हम डिटेल्ड रिव्यू भी कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, रियलमी नार्जो 30। बैक पैनल कुछ रियलमी 8 के जैसा है, हाँ, पर कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। फीचर्स इसमें भी सभी नेक्स्ट लेवल हैं, मतलब मीडियाटेक हीलियो G95 का प्रोफेशनल गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, 5000 mAh की बैटरी विद डार्ट चार्जिंग सपोर्ट सिर्फ 13,590 रुपए की कीमत में। अगर आपके पास में कोई कार्ड वार्ड का जुगाड़ हो जाता है जिसपे ऑफर चल रहा है, तो 2,500 और भी ऑफ हो जाएंगे। अब एक और स्मार्टफोन है रियलमी का, Realme 9 SE, मतलब स्पेशल एडिशन। लुक इसका थोड़ा सा डिफरेंट है पुरानी डिजाइनों से, पर फीचर्स लगभग सेम है, लाइक 5000 mAh की बैटरी विद डार्ट चार्जिंग। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाती है, मतलब अब तक का सबसे खतरनाक स्मार्टफोन है डिस्प्ले के मामले में। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग पर 20,000 से 100-200 रुपये ज़्यादा है इसकी कीमत। पर अगर आपके पास में, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, कार्ड वाला सिस्टम आप अपना के 2,000 रुपये और सस्ता खरीद सकते हैं, मतलब 18,000 रुपये के लमसम में। अब बात करते हैं एक टाइम का सबसे ज़्यादा पॉपुलर, मतलब रियलमी 8 के बाद की अगर हम बात करें तो इसी स्मार्टफोन को लोग खरीदना प्रेफर करते थे, वो है Moto G40 Fusion। पहली चीज़, 120Hz स्क्रीन है, 64MP ट्रिपल कैमरा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, 6000 mAh की बैटरी विद टर्बो पावर चार्जिंग। पर ये 4G स्मार्टफोन है तो थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है, पर इंडिया में अभी फुली 5G सिस्टम होने में ना थोड़ा टाइम लग जाएगा। मोटो का एक और स्मार्टफोन है, मतलब थोड़ा लेटेस्ट है, Moto G60। इसका लुक डिज़ाइन थोड़ा Moto G40 Fusion की तरह है, पर इसमें 108MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 4K रिकॉर्डिंग तो आप कर ही सकते हो, पर और भी काफ़ी सारे इसमें कैमरा फीचर्स हैं। इन सब के अलावा सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा है इसमें। बाकी 6000 mAh की बैटरी विद टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट, मतलब सब कुछ खतरनाक है। और हाँ, इसमें 120Hz डिस्प्ले मिलती है आपको, ओवरऑल मतलब सारे फीचर्स नेक्स्ट लेवल हैं, 17,990 में आप इसे खरीद सकते हैं। वैसे एक टाइम पे मोटोरोला कंपनी बिल्कुल खत्म होने वाली थी, बट अभी लेटेस्ट में जितने भी स्मार्टफोन्स आए ना,
सबने आग लगा दी मार्केट में। अब वीवो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मतलब वीवो का एक स्मार्टफोन है वीवो V20, इसमें 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है यार, मतलब खतरनाक हिसाब किताब है बिल्कुल। रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल का, ट्रिपल 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तो आप कर ही सकते हो। हाँ, बैटरी थोड़ी सी छोटी है इसमें, पर 33 वॉट फ्लैश चार्जिंग मिलती है तो काम दाम चल जाएगा, मतलब इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी रियर कैमरा के अलावा सेल्फी कैमरा से भी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ये तो वेरी गुड हो गया जी। गेमिंग के लिए अल्ट्रा मोड है, मतलब पबजी में खून खराब आराम से कर सकते हो। ओवरऑल काफी खतरनाक फीचर्स हैं सिर्फ 18,000 रुपए की कीमत में। वीवो का एक और स्मार्टफोन है, मतलब लास्ट वीवो Y73। इसकी डिजाइन बैक पैनल पे कुछ कुछ लत्ते कपड़ों जैसी लग रही है। कैमरा फीचर्स सभी नेक्स्ट लेवल हैं। प्रोफेशनल गेमिंग प्रोसेसर, मीडियाटेक हीलियो G95 वाला, 33 वॉट फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट, एमोलेड स्क्रीन, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, 8GB वाला वेरिएंट आप इसका खरीद सकते हैं 9,990 रुपए की कीमत में। रेडमी नोट 10 सीरीज को भला कैसे बुला सकते हो, मतलब रेडमी नोट 10 सीरीज के तीन स्मार्टफोन है, रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 10S एंड नोट 10 प्रो। तीनों स्मार्टफोन्स में काफी सारे फीचर सेम हैं, काफी सारी चीजें डिफरेंट हैं, पर तीनों स्मार्टफोन्स के रियर कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। रेडमी नोट 10 एंड नोट 10S में 60Hz डिस्प्ले, बाकी नोट 10 प्रो में 120Hz स्क्रीन दी गई है, मतलब किसी में कुछ ज्यादा है किसी में कुछ ज्यादा है, बट ओवरऑल सारी चीजें ठीक ठाक है अकॉर्डिंग टू प्राइस। 10 और नोट 10S 13,999 मिल जाएगा, बाकी नोट 10 प्रो 17,000 रुपए के लमसम में आता है, मतलब आप अपने बजट के हिसाब से अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन शुरुआत में थोड़े हल्के फुल्के आते थे, मतलब फीचर्स तो सारे खतरनाक होते थे पर प्रोसेसर थोड़ा सा हल्का होता था, बट अभी कुछ टाइम से सारी चीजें खतरनाक आ रही हैं। इन्फिनिक्स का एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स 05Z, मतलब नाम से तो जीरो है पर फीचर्स के हिसाब से सुपर हीरो है। मतलब 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा कैमरा फीचर्स भी सारे फ्लैगशिप मिलते हैं। ओवरऑल जो लुक डिजाइन है कतई प्रीमियम वाला है, फ्लैगशिप वाला, 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन है, फास्ट चार्जिंग है, ओवरऑल सब कुछ फ्लैगशिप फीचर्स है। 8GB वाले वेरियंट को आप खरीद सकते हैं 17,999 रुपए की कीमत में। कार्ड वाला सिस्टम अगर लगा दिया तो 2000 और कम हो जाएंगे। अब ओप्पो की बात कर लेते हैं। दो स्मार्टफोन्स हैं ओप्पो के, एक ओप्पो F17 Pro जिसमें काफी अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, सारी चीजें एप्रोक्स रियलमी जैसी ही हैं इसमें, लाइक बुक चार्जिंग, काफी हद तक डिजाइन, बट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल तामझाम सब कुछ ठीक ठाक है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हैं इसमें, तो मतलब इसे ले सकते हैं। बाकी दूसरा है ओप्पो F19 Pro। अगर F17 Pro एंड इस वाले मतलब F19 Pro की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में काफी सारे फीचर्स सेम है, हाँ अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो, बाकी 4K रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते हो इससे। एक आखिरी स्मार्टफोन है इस लिस्ट का, 108 मेगापिक्सल कैमरा वाला, कुछ कुछ पोको X3 जैसा बैक डिजाइन, 120Hz डिस्प्ले, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस फीचर्स ठीक ठाक हैं, और स्मार्टफोन है Xiaomi Mi 10i। तो सभी ब्रांड्स के स्मार्टफोन आपके सामने हैं, अब आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी खरीद सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आपको iPhone 12 का रिव्यू देखना है तो यहाँ देख सकते हैं, iPhone SE का रिव्यू यहाँ देख सकते हैं, Realme 8 का डिटेल्ड रिव्यू यहाँ देख सकते हैं, MacBook का काफ़ी लंबे टर्म के बाद में रिव्यू यहीं देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।